नमस्कार, देवभूमि की खबरों के मेगा बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार लोकसभा की। लक्सर विधानसभा में चल रहे पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल जनसभा कार्यक्रम में भाग लेने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात की। इसी के साथ ही विधानसभा में चल रही चुनावी सरगर्मियों पर भी चर्चा की। बता दें कि लोकसभा हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में कुल 54 जगह वर्चुअल जनसभा को नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रीनगर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में रोड शो में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में शुरुआत कला रोड से हुई, जो वीरचंद सिंह गढ़वाली मार्ग गणेश बाजार अप्पर बाजार तक गई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान श्रीनगर बाजार के व्यापारी के प्रतिष्ठानों, वहां मौजूद लोगों से मिले और लोगों ने उनके साथ जमकर तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। कांग्रेस को देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। अरे, अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी जी संवार रहे हैं, पुष्कर धामी विकास में लगे हुए हैं। हमारा मूल मंत्र है विकास, विकास और विकास, जनता का कल्याण। लेकिन कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठा रही है। दरअसल कांग्रेस में तो झगड़ा ही झगड़ा है। आगाज के लिए विजय श्री को हमने विजय श्री का मार्ग प्रस्त करना है और आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत श्रीनगर में, और वो डॉक्टर धन सिंह रावत जी के लिए वोट मांगने की अपील के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के विकास को घर घर तक और जन जन तक पहुँचाना है और उनके हाथों को मजबूत करके इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदुत्व के प्रति जितना भी अपने से हो सकता है वो हम सर्वस्व समर्पण करते हैं। गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर क्षेत्र में करीब 20 स्थानों में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने नुक्कड़ सभा की है। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि जब से मैं शिक्षा मंत्री बना, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्य किया। आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चौथा स्थान उत्तराखंड का रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं जनता के बीच में काम के नाम पर वोट मांगने आया। शिक्षा मंत्री बनने के बाद जो लोग शिक्षा की गुणवत्ता पे काम नहीं करते, जो लोग विषयवार अध्यापकों की तैनाती नहीं करते, जो छात्र संख्या की बढ़ोतरी हो ऐसा काम नहीं करते, ट्रांसफर पोस्टिंग अटैचमेंट ही करेंगे, तो चुनाव कहाँ से जीतेंगे आप? दादा, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, जब से अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री बना, मैंने शिक्षा की गुणवत्ता पर काम किया, जिसका प्रमाण है कि नीति आयोग की सर्वे में पहले उत्तराखंड शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 65 पायदान पर होता था, आज पूरे देश में चौथे स्थान पर आया। जहां सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या प्रति वर्ष घटती थी, आज एक ही वर्ष में विगत वर्षों की अपेक्षा 56,172 छात्र संख्या की बढ़ोतरी हुई है। और सरकारी स्कूलों को आम जनता के लिए हमने CBSE बोर्ड से मान्यता भी दिला दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थराली विधानसभा के चोपता गांव पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व लोकसभा सांसद बलराज पासी भी जनसभा में मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सांसद बलराज पासी सीधे चौपता चौरी माँ गिरिजा भवानी राज राजेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। इसके बाद चौपता में सीएम शिवराज ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भी की। वहीं थराली विधानसभा की जनता को भांजा और भांजी कहकर संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर संबोधित करते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर का नशे में वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रवि बहादुर नशे में डोर टू डोर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने बड़े ही सूझबूझ के साथ ज्वालापुर विधानसभा पर उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।